भाई साहब कोटा में आगे क्या? चलिए कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टूडेंट्स पर निगम के तुगलकी टैक्स के मामले में स्टूडेंट्स में 1000 रुपए के टैक्स का विरोध बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स अब भीख मांग कर इस टैक्स पर अपना विरोध जता रहे हैं। स्टूडेंट्स ने नकारा निगम के सफाई टैक्स को। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कि दरअसल कोटा में निगम ने स्टूडेंट्स पर भी अब टैक्स लगाया, स्टूडेंट्स से भी 1000 रुपए वसूलने की तैयारी निगम कर रहा है और इसी को लेकर स्टूडेंट्स अब विरोध जता रहे हैं। अलग अलग तरीके से ये विरोध जता रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तख्तियां बैनर पोस्टर लेकर स्टूडेंट्स रैली निकालते हुए अपना विरोध जता रहे हैं। अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स से यहाँ पर 1000 रुपए टैक्स के रूप में लिए जाने की तैयारी निगम की तरफ से किया जा रहा है। निगम के इस तुगलकी फरमान का लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि देखना होगा इस पर निगम की तरफ से क्या स्टैंड क्लियर किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स में इसे लेकर लगातार विरोध बढ़ रहा है। अब भीख मांग कर स्टूडेंट्स अपना विरोध जता रहे हैं। तो आपको बता दें कि निगम अब अपने खर्चे उठाने के लिए कुल मिलाकर स्टूडेंट्स पर भी बोझ डालने से पीछे नहीं हट रहा है। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पाई इसके बाद? देखिए आपको बताएं कि लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है कोटा में। इसको लेकर के न केवल शिक्षण संस्थान बल्कि जो निगम खुद भागों में बच गया है। निगम की जो राजस्व समिति के अध्यक्ष हैं उनसे लेकर के जो उप महापौर हैं उन्होंने इस टैक्स को लेकर के विरोध जताया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्टूडेंट ऐसा हालात है कि स्टूडेंट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की तादाद होती है और ऐसे में हर स्टूडेंट की आवाज यही है कि ये जो टैक्स उनसे लिया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसे में वो गंदगी यहाँ पर बिल्कुल नहीं करता, उनसे निगम सफाई व्यवस्था के नाम पर टैक्स वसूलता है जो कि पूरी तरह से गलत है। अभी स्टूडेंट से हमारी बात हुई, स्टूडेंट का ये भी कहना था कि वो कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं, बतौर मेहमान आते हैं और मेहमान से सफाई व्यवस्था के नाम पर जो टैक्स की वसूली है वो कहाँ तक ठीक है। जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी सीधे तौर पर इसको लेकर के विरोध है, क्योंकि अपने आप में 1000 रुपए तक का जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक भारी पड़ने वाला है स्टूडेंट की जेब पर। बिल्कुल हिमांशु, अलग अलग वर्गों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उन पर बोझ डालना किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि इंतजार रहेगा कि इस तुगलकी फरमान को वापस कब लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।